समर स्लैम में हार गए तो क्या सोलो सिकोवा भी रोमन रेंस की टीम में रहेंगे या नहीं, जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रोमन रेंस के हारने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और जब अगर रोमन रेंस इस समर स्लैम में हार गए तो जिमी एंड जय उसो सोलो सिकोवा को मार मार कर पेल देंगे, और सोलो सिकोवा की मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा, रोमन रेंस भी नहीं। तो दोस्तों, रोमन रेंस की ना मदद करने की वजह से सोलो सिकोवा ज्वाइन कर सकते हैं ब्रॉक लेसनर की टीम को। दोस्तों, ये नया रूमर है कि ब्रॉक लेसनर और सोलो सिकोवा दोनों मिलकर रोमन रेंस को मार मार कर अधमरा कर देंगे। और दोस्तों, अगर इस पे बैक में रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोवा वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच हो जाए तो WWE की रेटिंग तो आसमान को छू जाए। तो दोस्तों, हमें देखना है कि अगर ब्रॉक लेसनर और सोलो सिकोवा रोमन रेंस को मारने आए तो क्या टीम उसोस रोमन रेंस की मदद करेगी या नहीं, अपनी राय कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों, कुछ ऐसा लग रहा है कि इस समर स्लैम के बाद हो सकता है ब्रॉक लेसनर का नया टारगेट रोमन रेंस हो, और दोस्तों रोमन रेंस जिमी एंड जय उसो को ना हरा पाए, क्योंकि दोस्तों मनी इन द बैंक में जब दोनों भाइयों ने अपनी साझेदारी दिखाई थी तो वो लोग सोलो सिकोवा रोमन रेंस को डबल किक से अधमरा कर दिए थे। तो दोस्तों, अगर समर स्लैम में ट्राइबल मैच में अगर जिमी उसो रिटर्न हो जाए और जय उसो का साथ दे तो जय उसो को रोमन रेंस को हराना बहुत आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर जय उसो रोमन रेंस को हरा दे तो दोस्तों जय जिमी एंड जय उसो का एक ही टारगेट रहेगा, वो है सोलो सिकोवा। तो जिमी एंड जय उसो सोलो सिकोवा को मार मार कर अधमरा कर देंगे, और इसी अधमरे में जय सोलो सिकोवा रोमन रेंस से मदद की भीख मांगेंगे, लेकिन रोमन रेंस डर कर वहाँ से भाग जाएंगे। तो दोस्तों, इसी की वजह से सोलो सिकोवा ज्वाइन कर सकते हैं टीम ब्रॉक लेसनर। सी यू लेटर।